हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की जो रेसिपी है वो स्वीट्स स्पेशल है, यानी कि हमारे जो फेवरेट इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्वीट रेसिपी हमारे काले गुलाब जामुन। सो गाइस, इसकी रेसिपी आज मैं इंस्टेंट और क्विक बनाने वाली हूँ। साथ ही मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाली हूँ, जो कि आपने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी कि ब्रेड से बनाए रसगुल्ले। तो गाइज, आज मैं ब्रेड से रसगुल्ले बनाने वाली हूँ इंस्टेंट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए 8 से 10 यहाँ पर ब्रेड। तो यहाँ पर 5 से 7 ब्रेड अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, जिनकी मैंने साइड्स को यानी कि एजेस को काट कर हटा लिया है। तो ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है, इसको आप फेंकना मत, इसको आप ब्रेड क्रम या फिर और भी किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अब साइड निकाल कर धर रही हूँ और यहाँ पर ब्रेड को बीच में से कट कर दी हूँ 4 पीस में, ताकि जब हम इसका डो बनाएं तो थोड़ी आसानी हो। तो ये देखिए, मैंने सबको 4 पीस में कट कर लिया था। अब मैंने इनको एक थाली में कर लिया और यहाँ पर अब हम डालेंगे दूध, जो कि मैं यहाँ पर ये दूध ले रही हूँ। एक कटोरी में आधा दूध कटोरी लिया है मैंने, और उसे थोड़ा थोड़ा करके इस ब्रेड में डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर आप चाहें तो दूध डालकर छोड़ भी सकते हैं, जिससे जो ब्रेड है वो सारा दूध अब्सॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सारे मैं इसका एक डो लगाऊंगी। तो हमें डो लगाने के लिए अच्छे से इसको गूंदना है और सभी ब्रेड्स को अच्छे से मिक्स करना है आपस में। तो यहाँ पर जो डो है वहाँ हमारा थोड़ा सा गीला होना चाहिए, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा हमारा डो यहाँ पर गीला होना चाहिए। तो इस तरह से मैं पूरे डो को गूंद लूँगी। तो गाइज, ये रेसिपी मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने सोचा आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँ कि ये रेसिपी लगती कैसी है। तो इसी तरह से मैंने जो है पूरे ब्रेड को अच्छे से गूंद लिया है, और उसके बाद मैं इसे रख दूँगी 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। और जब तक ये रेस्ट होगा, तब तक हम अपनी तैयार कर लेंगे चाशनी। तो चाशनी किसे तैयार करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं इसे रख दूँगी साइड पर 10 मिनट के लिए। तो अब चलते हैं एक पैन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पैन ले ली, जिसमें डाला मैंने 1 कटोरी पानी, और उसी कटोरी से जितना मैंने पानी डाला उतनी डाली मैंने चीनी। और अब इन सबको करना है हमें मिक्स। तो यहाँ पर साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 इलायची, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आए। और उसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ मैं पिंच ऑफ हल्दी, ये बहुत अच्छा कलर देती है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर लीजिए, बिल्कुल भी एक तो हल्दी की स्मेल नहीं आएगी, ऊपर से ये बहुत अच्छे बनेंगे कलर, और इनमें कलर भी बहुत अच्छा आएगा। सो गाइस, ये एक रेसिपी मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, तो किसी के पास केसर भी इंस्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करा है। आपके पास अगर केसर हो और आप केसर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो देखिए, मेरी चाशनी लगभग हो गई थी, उसमें कितना सुंदर एक कलर भी आ गया था, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो यहाँ पर मैंने देखा चाशनी को, वो बिल्कुल थोड़ी सी चिपचिपी हो गई थी। और चाशनी का जो है वो पता करने के लिए आप उसको पहले ठंडा करके तब पता करें कि वो चिपचिपी हुई है ना, क्योंकि वो गर्म में पता ही नहीं चलेगी आपको। उसके बाद जो डो को मैंने रेस्ट पर रखा था हाथों में, अब मैंने लगा लिया थोड़ा सा तेल, और अब मैं इनको एक रसगुल्ले की शेप यानी कि मीडियम साइज़ के गोल रसगुल्ले बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इनको अच्छे से हाथों बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ले वाली शेप दूंगी। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे रसगुल्ले बना करके तैयार कर लिए थे। और हाँ फ्रेंड्स, रसगुल्लों में आप कोशिश करें कि क्रैक्स बिल्कुल ना आए। वैसे तो क्रैक्स ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर आ भी जाए तो 1 से 2 ही आए। तो मेरे भी सारे रसगुल्लों में क्रैक बिल्कुल भी नहीं आता, हाँ 1 रसगुल्ले में आया था। तो गाइज, मैंने इस तरह से अपने सारे रसगुल्ले जो है बना करके तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पर लिया मैंने एक दूसरा पैन, जिसमें डाला मैंने तेल, और तेल बिल्कुल लो फ्लेम पे था, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। तो इसलिए मैंने इस फ्लेम को रखा था लो, और इसी लो फ्लेम पर मैंने इन रसगुल्लों को अच्छे से पका लिया। तो गाइस, चलिए वेट करते हैं इनके पकने का, और उसके बाद हम इस पर थोड़ा थोड़ा कलर लाएंगे, और तब उसके बाद हम दिखाते हैं क्या रिजल्ट आया। सो गाइस, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, और इसके साथ मैं जो मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में, मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है और आप इसे कब बना सकते हैं या किसी गेस्ट को बना कर खिला सकते हैं या नहीं। तो गाइड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पर और भी इसी तरह की मज़ेदार से वीडियो अपलोड है, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। सो गाइज, देखिए, मैं रसगुल्लों को थोड़ा सा बीच में कच्ची या फिर चम्मच जो भी आपको आसान लगे उसकी मदद से इसको आराम से हिलाते हुए सारे रसगुल्लों को करते रहिए, नहीं तो ये एक तरफ से कच्चे और एक तरफ से ज़्यादा जल जाएंगे। देखिए, मैंने सारे रसगुल्लों को अपने अच्छा सा एक कलर देता था रसगुल्ला, अगर आपको इसे डार्क कलर देना है तो आप इसे थोड़ी देर और फ्राई कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने तुरंत इसे डाला अपनी चाशनी में, चाशनी जो थोड़ी गुनगुनी थी और रसगुल्ले थे एकदम गर्मा गर्म, मैंने तेल से निकाल के सारे चाशनी में डाल दी, और अब इस तरह से धीरे धीरे इनके ऊपर चाशनी डाल दी। सो गाइज, मैंने इन रसगुल्लों को कम से कम चाशनी में आधे घंटे तक रखा था, तो अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से इसका रिव्यू। सो गाइज, ये रसगुल्ले जो थे ऊपर से थोड़े से हार्ड बने थे और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने थे, बट इसमें जो एक वो दो अब ब्रेड वाला टेस्ट है ना वो आ रहा था, थोड़ा सा प्रॉपर रसगुल्ले वाला टेस्ट तो नहीं था। अगर आपका इंस्टेंट कुछ मीठा खाने का मन है और वो भी गुलाब जामुन, तो आप इसे बनाकर बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो ये रेसिपी वैसे इतनी भी बुरी नहीं है, बट हाँ इतनी भी अच्छी नहीं, मैं कहूँगी कि हाँ ये हमारे रसगुल्लों को टक्कर देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।